सीहोर जिले के बुधनी में पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब बेच रहे आरोपी पर कार्रवाई की है। पुलिस ने छापे में कई लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस की दबिश से पहले ही अवैध शराब विक्रेता मौके से फरार हो गया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में अबकारी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। कॉलेज और स्कूल के आसपास ये सफेद गुड़िया जो तबाह कर रही है हमारे बच्चों को, एक बार उसकी आदत लग गई तो फिर जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है। फिर जैसे आपने बताया कि पता नहीं कितने छेद हो जाते हैं, यहां बताया था, हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने देंगे क्या? नींव खोखली होने देंगे क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ये संकल्प भी लेती है कि जो अवैध कारोबार करते हैं, जो गड़बड़ चीजें करते हैं, उनके खिलाफ चौतरफा प्रहार होगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब की सूचना प्राप्त हुई थी, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सूचना की तस्दीक है तो बुधनी स्टाफ के द्वारा इसमें अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें अपना होटल, एक आजाद पैलेस, यादव श्री ढाबा जो है उसका अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई थी और इसमें अलग अलग मात्रा में यहाँ पर अवैध शराब मिली थी, तो इसमें आबकारी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।